नमस्कार द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। सेलिब्रिटी बेस्ड डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहा है। आपको बता दें ये शो का 11वां सीजन है जिसमें फराह खान और मलाइका अरोड़ा जज के रूप में नजर आने वाली हैं और पैनल में एक्टर अरशद वारसी भी दिखाई देंगे। वैसे तो ये आपको पता ही है कि रियलिटी शोज काफी लंबे टाइम तक टेलीकास्ट होते हैं और इसमें जज को काफी अच्छी मोटी रकम दी जाती है। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी 6 साल बाद टीवी पर कमबैक करने जा रहे हैं। वे शो झलक दिखला जा में बतौर जज दिखाई देंगे। सूत्रों की माने तो अभिनेता को एक एपिसोड शूट करने के लिए 8 लाख रुपए की फीस दी जा रही है। कुल मिलाकर अभिनेता की पूरे सीजन की फीस तकरीबन 1 करोड़ रुपए होगी। अब बात करें मलाइका अरोड़ा की तो स्टाइलिंग दीवा होने के अलावा बेहतरीन डांसर और परफॉर्मर भी है। यही वजह है कि मलाइका कई बार रियलिटी शो को जज करती दिखाई दी है। अगर उनकी फीस की बात करें तो सूत्र बताते हैं कि एक दिन में शो के 2 एपिसोड शूट करे जाएंगे जिसे मलाइका की फीस तकरीबन 30 लाख रुपए आंकी गई है। यानी कि एक एपिसोड के लिए मलाइका को तकरीबन 15 लाख रुपए देने की प्लानिंग की गई है। इस शो को 3 महीने तक टेलीकास्ट किया जा रहा है तो कुल मिलाकर इस पूरे सीजन में मलाइका अरोड़ा तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने वाली है। अब बात करें फराह खान की तो इंडियन आइडल नच बलिए जो जीता वही सुपरस्टार, बिग बॉस, डांस इंडिया डांस, सुपर मॉम जैसे कई शोज में बतौर जज नजर आ चुकी फराह खान को झलक दिखला जा 11 को जज करने के लिए पर एपिसोड 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे सीजन को जज करने के लिए फराह को तकरीबन 60 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ऐसा ही बॉलीवुड को स्पेशल जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए टाटा बाय बाय।